हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एफपी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, अपन कंप्यूटर अवेयरनेस की 7th क्लास करने जा रहे हैं पावर पॉइंट के ऊपर, और ये क्लास एमएस ऑफिस की लास्ट क्लास है। ठीक है, उसके बाद और कल संडे है, तो कल मैं ट्राई करूंगा कि 2 से 3 वीडियो और अपलोड कर पाऊँ जल्दी से जल्दी, ताकि 24 से पहले अपन कोर्स कंप्लीट कर लें। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लगभग 5-6 क्लास। अब देखो, इस क्लास में अपन सॉफ्टवेयर देख लेंगे, सॉफ्टवेयर से क्या क्वेश्चन आता है, उसके बाद अपन नेटवर्किंग करते हैं। हाँ, नेटवर्किंग से आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, तो वो पढ़ेंगे, वो जरूर देखना आप। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे वीडियो देखते ही कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मोटिवेशन के लिए जरूरी है ये, और शेयर करो क्लास को। ठीक है, और जिन्होंने पहले की 6 क्लास नहीं देखी जाके देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो देखो, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का है, उसका नाम है एमएस पावर पॉइंट। ऐसे ही गूगल का भी है पावर पॉइंट के लिए, उसका नाम है गूगल स्लाइड्स। एप्पल का है, उसका नाम है की नोट। लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी है, उसका है इम्प्रेस। तो याद रहे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सबके एमएस वर्ड, सबके जो वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, सबके यहाँ पे ने अपने नाम लिखे हैं, तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, एप्पल का जो वर्ड प्रोसेसर है उसका नाम है पेजेस, एप्पल का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसका नाम है नंबर्स, और एप्पल का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम है की नोट। ओके, अब गूगल सूट या गूगल ड्राइव की बात करें, तो देखो, गूगल का जो वर्ड प्रोसेसर है उसका नाम है गूगल डॉक्स, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसका नाम है गूगल शीट, और प्रेजेंटेशन है उसका नाम गूगल स्लाइड। ठीक है, याद रहेगा। देखो, वापस रिवाइज करते हैं, एप्पल का पेजेस, देखो वर्ड है तो वर्ड में वर्ड लिखेंगे पेज के ऊपर, फिर स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के अंदर स्लाइड बनेगी बहुत सारी, एक से ज़्यादा, तो वहाँ नंबर्स, और प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे तो की नोट। ठीक है, ऐसे ही गूगल की बात करें तो वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बनेगा गूगल डॉक्स, फिर एक्सेल शीट है तो गूगल शीट, और प्रेजेंटेशन में क्या स्लाइड होती है तो गूगल स्लाइड। अब लिब्रे ऑफिस की बात करें तो जो वर्ड प्रोसेसर है वो है राइटर, तो देखो वर्ड क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू से स्टार्ट राइटर, याद रहेगा। स्प्रेडशीट ये तो इम्पोर्टेंट है, कैल्क, और फर्स्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम क्या है मैंने बताया था, कमेंट सेक्शन में बताना। प्रेजेंटेशन की बात करें लिब्रे ऑफिस का, वो है इम्प्रेस, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है जैसे वेक्टर ग्राफिक है तो वो है ड्रॉ, डाटाबेस का नाम है बेस, फॉर्मूला एडिटिंग की बात करें एडिटिंग की तो वो है मैथ्स। और एमएस ऑफिस का जो डाटाबेस है, एमएस ऑफिस का डाटाबेस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, डाटाबेस, तो वो है एमएस एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इतना जो फर्स्ट स्लाइड में बताया वो इंपॉर्टेंट था, एक सेकंड होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, फर्स्ट स्लाइड पे, और बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, क्योंकि ये पावर पॉइंट भी चल रहा है तो अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा। जैसे क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन या ब्लैंक प्रेजेंटेशन, अगर न्यू क्रिएट करना है तो उसको यूज करेंगे अपन कंट्रोल प्लस एन। तो देखो, एक सेकेंड, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्रिएट न्यू करना है तो मैं देखो कंट्रोल प्लस एन करूँगा तो नई पीपीटी ओपन हो गई। ठीक है, और अगर इसके अंदर मेरे को नई स्लाइड एडिट करनी है तो यूज़ करूँगा कंट्रोल एम, यहीं पर समझते जाते हैं। और जो ये प्लेस होल्डर है ना, सॉरी, ये जो डॉट वाला एरिया है ना जहाँ, तो इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, चलते हैं वापस, ये स्लाइड पढ़ ली थी, हाँ याद है पर इसमें है, समझ में आया। अगर आपको पूरी नई प्रेजेंटेशन बनानी है ब्लैंक प्रेजेंटेशन तो कंट्रोल प्लस एन करेंगे, इंसर्ट ए न्यू स्लाइड कंट्रोल प्लस एन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो नॉर्मली अपन सोचेंगे कंट्रोल प्लस एन कर दें, बट यहाँ पे चेंज है इसलिए कंट्रोल प्लस एम, अभी मैंने करके दिखाया था। डुप्लीकेट द करंट स्लाइड, जो स्लाइड है उसका डुप्लीकेट बनाना है तो कंट्रोल प्लस डी करेंगे। व्यू स्लाइड या रन ए प्रेजेंटेशन तो एफ फाइव, तो अभी मैंने एफ फाइव किया था जैसे अपन बैक गए थे। तो देखो एक सेकेंड, ठीक है, देखो अब मैं अब फाइव करूंगा तो ये प्रेजेंटेशन मोड में आ जाएगा, आ गया ना।
तो अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं आए तो आप लैपटॉप के अंदर पावर पॉइंट जो भी चीजें मैंने पढ़ी उनको ओपन करके साथ साथ में करते जाओ। नेक्स्ट है व्यू द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड, तो शिफ्ट प्लस F5। इसका मतलब क्या है, जैसे स्लाइड के पावर पॉइंट के अंदर 10 स्लाइड है, ठीक है, आप 5th स्लाइड पे हो और वहीं से आप चाहते हो कि ये स्लाइड शो स्टार्ट हो जाए, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट प्लस F5। और अगर आप ओनली F5 करोगे तो ये 1st स्लाइड से चलेगा, शिफ्ट के साथ F5 करोगे जो करंट स्लाइड होगी वहां से पावर पॉइंट चलेगा, प्रेजेंटेशन होगा, समझ में आ गया, स्लाइड शो स्टार्ट होगा, क्लियर हो गया ये डाउट। नेक्स्ट रिटर्न टू द 1st स्लाइड ड्यूरिंग शो। मान लो आप चल रहे हो 1st स्लाइड पे आना है तो 1+ एंटर करेंगे, अभी करके बताता हूँ मैं, एंटर के साथ 1, एक सेकेंड, बैक स्पेस करके करना पड़ेगा, नॉर्मल व्यू में जाके फिर 1+ एंटर करेंगे तो अपन 1st स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है एंड द स्लाइड शो। अभी मैं एंड कर रहा था तो एस्केप ही प्रेस कर रहा था मैं बार बार। एक्सटेंशन क्या है इसका, .ppt है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल पेज को क्या बोलते हैं, जैसे ये एक पेज है पूरा, ये पूरा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्लाइड। डॉटेड बॉक्स मार्क्ड इन टेक्स्ट एरिया उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर, ये क्वेश्चन आता है। इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट उसको बोलते हैं एनिमेशन, जैसे ये टेक्स्ट है, ठीक है, आपको याद हो अपन ने टॉप 51 वाली क्लास देख ली थी, ठीक है, उसके अंदर क्या कर रहा था मैं, एक साथ सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, पहले एक क्वेश्चन आ रहा था फिर मैं एंटर मार रहा था तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था, फिर एंटर मार रहा था तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था, तो वो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट लगाया ना, तो उसको बोलते हैं एनिमेशन, ठीक है। इफेक्ट ऑन स्लाइड तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, स्लाइड के ऊपर इफेक्ट लगाना, कैसे, जैसे स्लाइड है अभी तो मैंने एंटर की, नेक्स्ट किया तो नॉर्मल स्लाइड चली, ठीक है, अगर इसके ऊपर मैं इफेक्ट लगाता तो स्लाइड थोड़ी घूम के आती या ब्रेक होके आती, तो वो कब होता है, वो होता है ट्रांजिशन मेन्यू के अंदर जाता है। अब रेडीमेड जो स्लाइड स्टाइल है उसको बोलते हैं टेम्पलेट, ठीक है, ये समझ लेते हैं। चलो अपन बैक स्पेस कर देंगे पीछे करके, एक बार समझ लेते हैं कि क्या है, एक बार वापस 1st स्लाइड का जो भी मैंने बताया वो मैं बता, तो देखो कंट्रोल क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन, देख लिया, कंट्रोल एम किया, न्यू स्लाइड डालनी है, देखो यहाँ पे तो मैं कंट्रोल एम कर रहा हूँ तो नई स्लाइड आ गई, इसको डिलीट कर दिया, डिलीट पर क्लिक करके। नेक्स्ट है डुप्लीकेट द करंट स्लाइड, इसका डुप्लीकेशन बनाना है तो Ctrl+D करूंगा, डुप्लीकेशन बन गया, देखो इसको वापस डिलीट कर दिया अपन। नेक्स्ट है व्यू द व्यू स्लाइड या रन ए प्रेजेंटेशन, अब प्रेजेंटेशन चलाना है तो फंक्शन के साथ F5 करूंगा, ये चल गया, एस्केप किया, वापस 1st पेज पे आ गया अपन, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि व्यू द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड, जैसे अपन यहाँ पे हैं, यहाँ से अपन को चाहिए स्लाइड शो तो Shift+F5, तो यहीं से चला, बाकी यहाँ से नहीं चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि रिटर्न टू द 1st स्लाइड ड्यूरिंग शो, तो देखो M1 के साथ एंटर करता हूँ, पहले स्लाइड शो में जाते हैं, 1 के साथ एंटर, एक सेकेंड आ गए ना 1st स्लाइड में, देखो कहाँ थे, 1+ एंटर किया यहाँ में, ठीक है। नेक्स्ट है एंड द स्लाइड शो एस्केप, मैं बता रहा था एक्सटेंशन .ppt, जैसे ये जो इंडिविजुअल पेज है ना, ये है स्लाइड्स, हम डॉटेड बॉक्स मार्क इन टेक्स्ट एरिया उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर, देखो क्या है प्लेस होल्डर, जैसे ये है ना, ये जो डॉटेड एरिया है ना यहाँ पे, ये है प्लेस होल्डर। अब इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट तो उसको बोलते हैं एनिमेशन, जैसे ये रहा एनिमेशन वाला टाइप, ये रहा, अब देखो ये सब इफेक्ट जो लगेंगे ना ये टेक्स्ट के ऊपर लगेंगे, ठीक है, और इफेक्ट ऑन स्लाइड तो वो आएगा ट्रांजिशन, यहाँ पे देखो स्लाइड अलग अलग टाइप से ओपन हो, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट है जूम परसेंटेज, जूम परसेंटेज कितना है, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 400, डिफॉल्ट है 100%। डिफरेंस किस में था, एमएस वर्ड के अंदर ही डिफरेंस था बस, वो भी मैक्सिमम जूम परसेंट एमएस वर्ड में कितना है वो है 500%, बाकी पावर पॉइंट सब कुछ सेम है, बस जो डिफरेंट है वो याद रखना है, वो ही पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट क्या है, पावर पॉइंट का जो लेआउट है उसको बोलते हैं टाइटल स्लाइड, जो मैंने बताया, जो जैसे अपन न्यू स्लाइड ऐड करेंगे तो जो पहली स्लाइड चलती है उसको बोलते हैं टाइटल स्लाइड,
पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल एंड इट इज यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड, उसको बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर। तो देखो मैं बताता हूँ स्लाइड सॉर्टर क्या है। तो ये जो व्यू है ना, ये वाला, जैसे अभी मैं इसको किसी को भी कहीं भी अरेंज कर सकता, जैसे ये वाला यहाँ ले आया मैं, ये वाला यहाँ ले आया, ये वाला वापस वहाँ ले जाता हूँ। तो ये क्या है, ये है स्लाइड शॉर्टर व्यू, यहाँ पे आपको पूरी स्लाइड्स दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट है इन पावर पॉइंट द स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स आर नोन एज। देखो मैंने बोला स्लाइड के ऊपर इफेक्ट लगाएंगे तो वो है ट्रांजिशन, अलग अलग टाइप से स्लाइड चल के आएगी। टू ओपन पावर पॉइंट टाइप इन द रन डायलॉग बॉक्स, तो रन डायलॉग बॉक्स जो यहाँ पे ये है, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, पावर पी एन टी, टू स्टॉप द स्लाइड शो एस्केप की मैंने भी बताया आपको, टू मूव डायरेक्टली ऑन द फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड पे जाना है तो कंट्रोल प्लस होम, ठीक है। और रिकॉर्ड क्या था, एंटर के साथ वन, एंटर के साथ वन, उससे भी अपन फर्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे, और लास्ट स्लाइड पे जाना है तो कंट्रोल के साथ एंड। शॉर्टकट की फॉर चेकिंग स्पेलिंग, स्पेल चेक के लिए अब सेवन था, पहले पढ़ चुके अपन। शॉर्टकट की टू रिपीट द रिसेंट फाइंड, रिसेंट फाइंड के लिए अब फोर, ये भी अपन ने एमएस वर्ड में पढ़ा, सेम की है। इंसर्ट हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने बहुत सारे पीडीएफ में देखा होगा वहाँ पे लिंक आता है, उसको क्लिक करते ही आप कहीं और चले जाते हो, तो वो जो लिंक इंसर्ट करते हैं वो इसी के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है व्यू दैट इज यूज टू सी ऑल स्लाइड्स एट वंस, स्लाइड सॉर्टर व्यू अपन ने पढ़ा था, जैसे थंबनेल जैसे अलग अलग स्लाइड दिख रही होती है अपन को, वो है स्लाइड सॉर्टर व्यू। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो कौन सा व्यू है जिससे सारी स्लाइड एक साथ दिखती है या थंबनेल के जैसे दिखती है, सबको अपन जिसकी हेल्प से अपन अरेंज कर सकते हैं, तो वो है स्लाइड सॉर्टर व्यू, समझ में आ गया। नेक्स्ट है स्लाइड ट्रांजिशन, वो इट इज ए स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस ए स्लाइड इन ए स्लाइड शो। तो जैसे जैसे मैं नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ ना, अगर अगर मैं स्लाइड ट्रांजिशन लगाता तो हर एक स्लाइड डिफरेंट टाइप से आती। शॉर्टकट की यूज टू सेंटर अलाइन द टेक्स्ट इन ए स्लाइड, ये सारे टेक्स्ट को सेंटर में लाना है तो कंट्रोल प्लस ई, ये अपन ने पढ़ा था। फॉर्मेट कैन बी एडेड टू द पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में कौन कौन से फॉर्मेट एड हो सकते हैं, डॉट जी आई एफ, डॉट जे पी जी, डॉट डब्ल्यू ए बी, डॉट एम पी थ्री भी एड हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये यूज हो सकते हैं, जी आई एफ लगा सकते हैं, फोटो एड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोशन पाथ क्या होता है, ए मेथड ऑफ मूविंग आइटम्स ऑन ए स्लाइड, तो आइटम यहाँ पे स्लाइड के ऊपर कोई भी अपन लगा देते हैं मूव कर रहा है, वो मोशन पाथ हो गया। शॉर्टकट की टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कर्सर है, ठीक है, यहाँ से आपको पूरा ये बैक स्पेस ही डिलीट करना है। अगर अपन बैक स्पेस, ओनली बैक स्पेस दबाएंगे तो केवल ई डिलीट होगा, अगर ये पूरे बैक स्पेस को डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे तो ये हट जाएगा पूरा, समझ में आ गया। जैसे कर्सर है, कर्सर को अपन को हटाना है तो अपन को क्या करना है, यहाँ बैक स्पेस है तो बैक स्पेस एक दो तीन चार पाँच छः बार बैक स्पेस दबाना पड़ेगा, अगर पूरे कर्सर को हटाना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबा दो, समझ में आया। बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन इज इन, तो बुलेट और नंबर होते हैं फॉर्मेल टूल के अंदर, जैसे बुलेट डॉट लगा रखे हैं तो बुलेट भी लगाता हूँ बहुत सारी क्लास में, तो ये नंबर है ये कहाँ है, फॉर्मेट टूल के अंदर। शॉर्टकट की यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं यूज करता हूँ शॉर्टकट की, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे तो साइज इंक्रीज होगी, और अगर साइज डिक्रीज करनी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन तो साइज डिक्रीज हो जाएगी, समझ में आया। ग्रेटर देन की जगह अगर लेस देन करेंगे तो साइज डिक्रीज होगी, और ग्रेटर देन साइज इंक्रीज होगी। एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट स्लाइड शो डॉट पीपीएस, ठीक है। और अगर पावर पॉइंट 1997 से 2003 का प्रेजेंटेशन का बताएं, स्लाइड शो का है पॉइंट पीपीएस, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन है डॉट पीपीटी 2003 या 2003 से पहले। और अगर प्रेजेंटेशन शो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन की बात करें आफ्टर 2007 तो डॉट पीपीटी एक्स, और अगर पीपीटी पावर पॉइंट मैक्रो इनेबल्ड प्रेजेंटेशन है तो डॉट पीपीटी एम लगा देना मैक्रो, ठीक है। नेक्स्ट है व्यूज ऑन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में टोटल व्यूज कितने हैं, तो टोटल आठ व्यू है। प्रेजेंटेशन व्यू,
टाइप के होते हैं, मास्टर व्यू 3 टाइप के। तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि टोटल कितने व्यू होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट 5 व्यू लगा के आते हैं, जबकि पावर पॉइंट में 8 व्यू है स्पेशली, तो ये ध्यान रखना। तो देखो प्रेजेंटेशन व्यू में कितने टाइप के, 5 व्यू है नॉर्मल व्यू। तो जो एडिटिंग व्यू होता है जिसमें अपन स्लाइड क्रिएट करते हैं, जिसमें एडिटिंग पॉसिबल है, वो है नॉर्मल व्यू, जो भी अपन देख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है आउटलाइन व्यू, जिसमें अपन पर्टिकुलर स्लाइड पे कोई हेडिंग देनी है तो वो आउटलाइन व्यू की मदद से आएगा। हेडिंग लेवल जिसमें होती है, स्लाइड सॉर्टर व्यू तो अपन ने बहुत बार पढ़ लिया अभी, जो थंबनेल फॉर्म में होता है, जिसको इजी टू रिकॉर्ड और एड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं स्लाइड को ऊपर नीचे। नोट्स पेज क्या है? नोट्स पेज है जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट होता है दैट यू वांट टू पुट ऑन टू योर स्लाइड। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ बैक स्पेस करके, तो ये वाला जो एरिया ना, देखो क्लिक ऑन एड नोट्स, यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा बट वो स्लाइड शो के दौरान तो नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे कमेंट हो जाएगा, समझ में आया? तो वो है नोट व्यू। अब है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में क्या होता है, सेम है स्लाइड शो, जैसे स्लाइड शो चल रही है वैसे ही है, प्लस उसके अंदर स्टेटस बार, जो स्टेटस बार होती है ना, कितना कौन सा पेज नंबर है, जो वो सब स्टेटस बार भी यहाँ पे शो होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मास्टर व्यू। मास्टर व्यू में 3 टाइप है, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर। स्लाइड मास्टर में पहला है चेंजेस इन दिस, अप्लाई चेंजेस इन ऑल द स्लाइड। इसमें क्या, लोगो, अगर एक में लोगो ऐड किया तो सब में लोगो ऐड हो जाएगा, ये स्लाइड मास्टर व्यू का यूज है। हैंडआउट मास्टर क्या करेगा, जो भी रीपोजिशनिंग करेगा, रीसाइजिंग करेगा और फॉर्मेटिंग करेगा ऑफ द हेडर एंड फुटर। जो भी हेडर फुटर है, अगर मान लो आपको पेज ही ऐड करना है, या जैसे ये एचपी सक्सेस क्लासेस मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये मैंने हेडर फुटर की मदद से लिखा है। अगर इसकी साइज बड़ी करनी है, कम करनी है, या इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो वो हैंडआउट मास्टर से होगी। अब जैसे नोट मास्टर है, तो कस्टमाइज हाउ योर प्रेजेंटेशन लुक व्हेन प्रिंटेड आउट विद द नोट्स। जैसे प्रिंट निकलेगा, ठीक है, तो उससे प्रिंट निकलने के बाद अपना जो प्रेजेंटेशन कैसा दिखेगा, तो वो होता है नोट्स मास्टर की तरफ से। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। अब मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, लाइक किया करो यार, लाइक नहीं करते आप लोग। तो देखो पहले, देखो ये है नॉर्मल व्यू, ठीक है, दिख रहा है आपको नॉर्मल? ये देखो यहाँ नॉर्मल लिखा है, नॉर्मल लिखा है, ये स्लाइड शॉर्टर व्यू, ये स्लाइड शॉर्टर व्यू चल गया। ठीक है, और ये है रीडिंग व्यू। ये रीडिंग व्यू मैंने बोला था जिसमें टाइटल स्टेटस बार भी दिखेगी आपको, ये स्लाइड शो, ये स्लाइड शो हो गया। ठीक है, नॉर्मल व्यू भी चल लेते हैं अपन, ये नॉर्मल व्यू हो गया। अब देखो उसके अलावा स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, ये स्लाइड मास्टर, एक पे लोगो लगाएंगे अपन, ये सब में लोगो लग जाएगा। ठीक है, व्यू कहाँ गया, हाँ हैंडआउट मास्टर। तो हैंडआउट मास्टर में क्या है, हेडर फुटर की पोजीशन क्या चेंज करनी है, देखो डेट वगैरह उसके लिए है, ये फुटर है, पेज नंबर है, कहाँ होना चाहिए पेज नंबर। नेक्स्ट है नोट्स, तो देखो प्रिंट निकलने के बाद इस टाइप से आपकी पीपीटी दिखेगी, समझ में आ गया? ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो ट्रांजिशन एनिमेशन वाली चीज़ बता देता हूँ, जिसे ट्रांजिशन है। ठीक है, कोई भी वर्ड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले पेज का। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन है ना स्लाइड पे लग गया। ठीक है, जैसे स्लाइड अपनी इस टाइप से चलनी चाहिए, जैसे जैसे मैं पावर पॉइंट खोलता हूँ, देखो तो पहली स्लाइड अपनी इस टाइप से आएगी। थोड़ा ऐसे कॉलेज में करता था मैं, जब पावर प्रेजेंटेशन बनाते थे तो इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो पावर स्लाइड के ऊपर जो भी इफेक्ट लगाएंगे तो आएगा ट्रांजिशन के अंदर। ठीक है, अब बात करें एनिमेशन के अंदर क्या आएगा, जैसे इफेक्ट लगाया वर्ड के ऊपर। ठीक है, अब देखो वर्ड आया, उड़ के आया ना, फ्लाइंग, स्प्लिट करके आएगा, देखना इसको सेलेक्ट कर देते। ठीक है, स्प्लिट होके आया, तो ये जो भी इफेक्ट लगेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, वो आएगा एनिमेशन का। चीजें समझ में आ गई? देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर नई को प्रेजेंटेशन बनानी है, ऐड करनी है, तो कंट्रोल एम, नई स्लाइड ऐड करनी है तो कंट्रोल एम, और स्लाइड शो के लिए F5, करंट स्लाइड से स्लाइड शो चाहिए तो Shift+F5, और स्लाइड
स्लाइड शोज को एंड करना था, एस्केप एक्सटेंशन डॉट पीपीटी डॉट पीपीटी एक्स, जो डॉटेड बॉक्स है उसको क्या बोलते हैं, डॉटेड बॉक्स को बोलते हैं अपन, जैसे देखो प्लेस होल्डर जैसे ये रहा, ठीक है। और पहली जो स्लाइड है बाय डिफॉल्ट वो टाइटल स्लाइड होती है, और जूम परसेंटेज सेम है जो भी एम एस एक्सेल का था, बस एम एस वर्ड में मैक्सिमम जूम परसेंट 500 है। देखो डिफॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट टाइटल स्लाइड, जैसे ही अपन न्यू ऐड करता हूँ मैं, तो अभी तो मैंने डिफॉल्ट चेंज कर दिया इसीलिए, क्योंकि डिफॉल्ट जो है वो है टाइटल स्लाइड वाला, ये इंपॉर्टेंट है। साइज को कैसे इंक्रीज करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक है। और तो ये क्लास हो गई, व्यूज इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी ये। नेक्स्ट क्लास सॉफ्टवेयर या नेटवर्किंग में से एक करें, कल संडे भी है तो अच्छे से मैं नेटवर्किंग तैयार करता हूँ, नेटवर्किंग बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर ज़रूर कर देना। लाइक करने में कितनी देर लगती है आप लोगों को बताओ, क्या ही टाइम लगता है, कुछ टाइम नहीं लगता है, इसलिए लाइक ज़रूर कर दिया करो। एक सेकेंड पूरा कट गया, ठीक है। तो लाइक कर देना वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक हैव अ नाइस डे फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक कर देना प्लीज और कमेंट भी कर देना, ओके।